हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, शरद पूर्णिमा स्पेशल डिश। तो यहाँ पे हमने एक टेबल स्पून देसी घी ले लिया है और अब हम इसको गर्म होने देंगे। कम है थोड़ा सा और घी ले लेंगे। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून के जितना देसी घी ले लिया है। अब यहाँ पे हमने धुले चावल ले लिए हैं 250 ग्राम, अच्छे से धुले हैं। अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे। अब यहाँ पे हम 5 से 7 चम्मच इसमें दूध ले लेंगे उबला हुआ। तो आइए, बगल में दूध उबल रहा है, उसी में से हम इसमें 5 से 7 चम्मच दूध ऐड कर देंगे खौलता हुआ। अब हम इसमें लगा देंगे सीटी और 2 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। अब चलते हैं दूसरे गैस की तरफ। यहाँ पर हमारा दूध उबल रहा है, हमको इस दूध को तब तक उबालना जब तक कि ये आधा न बचे। इसी तरह से हम इसको चलाते हुए उबालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर थोड़े से मखाने डाल दिए हमने, तो 2 सीटी हमारी आ गई। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हमारा दूध भी उबल करके आधा बचा है, तो हमारा देखिए इधर इस तरह से कुछ चावल पक करके तैयार हैं खीर के लिए। अब हम इसी में पूरा दूध ऐड कर देंगे जो पतीली में खौल रहा था। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चला लेंगे। पूरा ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि उबल कर गाढ़ा ना हो जाए। ढक्कन नहीं लगाना है, नहीं तो उबल आ जाए, उबाल कर बाहर आ जाएगा, उफान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी खीर उबल करके थोड़ी बची। यहाँ पे हमने 250 ग्राम चीनी ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम ऐड करें। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक और उबालेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे और अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे। पाँच से सात मिनट हो गए हैं, खीर हमारी उबल करके तैयार हो गई है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट शरद पूर्णिमा स्पेशल खीर बन करके तैयार है। आज की ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।